हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल पर बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्ट्रगल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में, और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना करें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्ट्रगल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया, ये आया है साई महाविद्यालय स्ट्रीट 69 सेक्टर 6 भिलाई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है जियोलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में, और वन वन पोस्ट जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्ट रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए, जो कि यूजीसी सीएसआई जो कंडक्ट कराते हैं वो नेट आप क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका स्लेट या सेट का जो एग्जाम है वो आपका जो है क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी डिग्री आपका रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले है, तो आप जो है अपना जो है आपको यहाँ पे नेट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूजीसी नॉर्म्स दे रखा है, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए अलग यूजीसी नॉर्म्स है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मास्टर डिग्री 55% मार्क्स में होना चाहिए, नेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो AICTE के नॉर्म्स जो हैं वो है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BE, BTech, NME, MTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BE, BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो आपको दी जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट या UGC या यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो CV है वो या रेज्यूम जो है अलॉन्ग विद योर मार्क्सशीट सर्टिफिकेट, आपको 3 सेट जो इसके बनाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपको सेंड कर देना है डायरेक्टर साई महाविद्यालय स्ट्रीट 69 सेक्टर 6 भिलाई CG 49000 06, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना रिज्यूम और आपकी जो है 3 सेट ऑफ जो आपके मार्कशीट है सर्टिफिकेट है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, और आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा दूसरा नोटिफिकेशन आया वो शिवालिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एफिलेटेड टू HDSU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी एफिलेटेड टू UTU UK, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है इंजीनियरिंग में, और आपका प्रोफेशनल स्टडीज वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी यहाँ पे है। इसके अलावा जो है यहाँ पे शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में भी जो वैकेंसीज को निकाला गया है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटेमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, इनमें जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। तो आप इसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि एसोसिएट की प्रोफेसर के लिए, और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा अदर्स में आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर एडमिशन की पोस्ट को भी यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखो फार्मेसी, शिवालिक कॉलेज फार्मेसी में आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक फार्मेकोगोनोसी, फार्मेकोलॉजी के लिए भी निकाला गया है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन पर डी फार्मा है। लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप एनी साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर लैब टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई करना चाहते तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट वो भी निकाला गया है, तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखा है। वहीं बात है क्वालिफिकेशन की, तो वो रहेगा एज पर UGC नॉर्म्स। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो है आपका रिज्यूम और आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वो सारा जो है आपको सेंड कर देना बाय मेल। तो यहाँ पे आपको खाली जो है मेल आपको सेंड करना है अलॉन्ग विद योर रिज्यूम और आपके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है टू HR@SCE.org.in within 21 days from date of advertisement।
ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी से, जो कि लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रिक्रूटमेंट नोटिस इनवाइट्स IU इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अ पोजिशन प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस प्रोग्राम। तो स्कूल ऑफ साइंस में BSc MSc केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल बायो साइंस में माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश। तो यहाँ पे अगर आप जो है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना जो है PhD कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना आप जो है indseeluniversity.edu.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस इनमें से किसी भी जॉब में आप इंटरेस्टेड या किसी में भी आपने PhD कर रखा है रिलेवेंट एरिया में तो आप अपना CV अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स जो है आपको सेंड करना है HR@indusinduniversity.edu.in within 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आप इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आया है यहाँ पे मांगा है इन्वाइटेड लेक्चरर्स, यहाँ पे वॉन्टेड लेक्चरर्स की पोजिशन को निकाला गया है टू टीच BSc BCA BBA BCom क्लासेज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन आवर डिग्री कॉलेजेस एट नॉर्थ आंध्रा एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है सब्जेक्ट मेंशन कर रखे मैथ केमिस्ट्री एनिमेशन फॉरेंसिक साइंस बायोटेक्नोलॉजी फिजिक्स स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट बायोकेमिस्ट्री तेलुगु और यहाँ पे अर्थमेटिक इंजीनियरिंग सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स कोडिंग ट्रेनर की भी ट्रेनर्स की वैकेंसीज को निकाला गया है। स्पेशल सैलरी पैकेज जो रहेगा वो आपका मिनिमम आपको 25,000 यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपका मैक्सिमम सैलरी जो है डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी जो है यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर इसके लिए आप इंटरेस्टेड आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है लाइब्रेरियंस एंड हार्डवेयर इंजीनियर्स फॉर कंप्यूटर लैब्स वैकेंसीज को भी निकाला गया है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे आपका जो है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना CV और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा जो है आपको ईमेल करना होगा HR को। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप इसके लिए लाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।